अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अपना व्लॉग शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही थी और शाम को बारिश हुई थी और मैं आपको ये दिखा रही थी कि एक जगह पे छाँव थी और आगे धूप थी और हमारे पास बारिश भी हो रही थी और थोड़ी सी आगे जाके तो धूप निकली हुई थी। मैं आपको इस वीडियो में यही दिखा रही हूँ। तो हर रोज़ ही हर जगह पे बारिशें हो रही हैं और रोज़ाना रोज़ाना ये बारिशों ने बहुत ज़्यादा है ना नुकसान भी हो रहा है इससे और फ़ायदा भी फसलों को हो रहा होगा। और उसके बाद हम लोग गए थे अपनी कज़न की शादी पे और शादी वाले दिन भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ कि बारिश में वो जब ऊपर वो लगाते हैं ना तो सारी चेयर्स वगैरह सारी ऊपर पानी आके तो खाना लगाया तो सारा वो भीग गया। इसके बाद मैं जा रही अपने घर वापस और मुझे अपने घर इमरजेंसी में वापस जाना पड़ा था और मैं रिक्शे में बैठ गई और काफ़ी देर वहाँ पे रिक्शा खड़ा रहा। तो एक तो हर जगह पे रोड का प्रॉब्लम और भागलपुर में भी ये पानी की वजह से जितनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं ना उससे रोड सारे टूट फूट रहे हैं, तो इस वजह से हमें किसी और रास्ते से आना पड़ा। तो काफ़ी देर लग गई, जो मैक्सिमम आधा घंटा लगता है उसमें घंटा लग गया होगा। तो इतना ज़्यादा गंदा रास्ता होता है कि हर जगह पे वो जो गटरों का पानी और सारा कुछ पता नहीं, समझ नहीं आती ये लोग कैसे रह रहे होते हैं और कोई इसका मतलब रिएक्शन नहीं लेता कि इतना वहाँ से गुजरना मुहाल हुआ होता है। एक इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है, दूसरा के जो गुजरता है वो बाइक वाले या गाड़ी वाले सारे वो उनका पानी दूसरों के कपड़ों में पड़ रहा होता है। तो हमारी तो वहाँ में खुद ही सोई हुई है। तो ये जो जिस रोड से हम लोग आ रहे हैं ना, मैं जब भी जाती थी तो तब सोचती थी कि मैं भी इस रोड से ना गुजरूँगी। तो आज मेरा ये भी ख्वाब पूरा हो गया कि मैं इस रोड से जा रही हूँ। और जब मैं वीडियो बना रही थी तो थोड़ा थोड़ा मुझे ना इससे डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने एक हाथ में बैग भी पकड़ा हुआ था, मोबाइल भी पकड़ा हुआ था और वीडियो बना रही थी। मैंने फिर भी मोबाइल को थोड़ा ग्रिप से पकड़ा कि मोबाइल मेरा गिर ना जाए। जब वीडियो बना रही थी तो मोबाइल और गाड़ियों वाले ऐसे देख रहे थे, ये पता नहीं ये बाजी क्या कर रही है और हमारी वीडियो क्यों बना रही है। तो ये बारिशों से मतलब हर जगह पे ही ऐसे बारिशें, और ये बारिश के बाद कभी तो हवा चलने लग जाती है, मौसम कुछ अच्छा हो जाता है। जब बारिश होती है उसके बाद थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा हबस हो जाती है। और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरे 1K करवा दिए और इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को देखते रहें और इसी तरह मज़ीद प्यार दिखाते रहें। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं आपको ये दिखा रही थी कि जब हम लोग मैं आ रही थी तो रास्ते में ये देखिए दरिया सतलुज जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आया हुआ था। और मेरी मम्मा ने साथ में मुझे ये बिरयानी बना के दी थी कि घर जाके कहाँ आप खाना बनाओगी, तो काफ़ी पहले देर हुई हुई थी और मैं थकी भी हुई थी तो इसलिए फिर घर आते ही फिर मैंने ये निकाल के दी थी अपने हस्बैंड को भी और मैंने खुद भी थोड़ी सी ली थी। और घर जब आए तो वैसे बंदा इतने दिनों के बाद जब आता है तो काफ़ी मैस हुआ पड़ा होता है और घर का हशर नशर हुआ होता है, लेकिन ये मेरे प्लांट्स देखे इतने अच्छे हुए थे ना, इसके ग्रीनरी ऐसे ग्रीन हुए हुए थे और बहुत ज़्यादा फूल भी लगे हुए थे। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।